दोस्तों आज मैं आपको 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करने का मेथड बताऊंगा। जैसे हमको पता है कि 50 का स्केयर जो है वो 2500 होता है, 2500 होता है 50 का स्केयर। मान लीजिए हम 51 का स्केयर फाइंड आउट करना चाहते हैं, 51 से स्टार्ट करते हैं। ये 50 से कितना ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है तो 25 में एक ऐड करें। 25 में एक ऐड करने से कितना आ गया, 26, और 1 का स्केयर 01 साथ में, ये आंसर आ जाएगा। जैसे हमने 55 का स्केयर फाइंड आउट करना है तो ये 25 से कितना 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो 25 में 5 ऐड करें 30, और 5 का स्केयर 25, ये साथ में आएगा। जैसे हमने 48 का स्केयर निकालना चाहते तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दीजिए 23, और ये 50 से कितना कम है, 2 कम है और 2 का स्केयर इसके साथ लिख देना है, ये 2304 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए 46 का करना चाहते हैं स्केयर, तो ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, 21, 16, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हम 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 ऐड कीजिए 33, 8 का स्केयर 64 साथ में। ऐसे हम 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इस अगर आपको 20 तक सारे स्केयर पता हैं, 20 तक सारे स्केयर पता हैं, तो आप इजीली 30 से लेके 70 तक किसी भी नंबर का स्केयर निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 61 का स्केयर हमने फाइंड आउट करना है। इस एग्जांपल में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है तो 25 में 11 ऐड करें पहले, 36 आ जाएगा। और अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 11 का स्केयर क्या है, 121। याद रखें जो आगे वाला पहला डिजिट है उसको इसके लास्ट डिजिट में ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 3721, ये आंसर आ जाएगा। जैसे हम 64 का स्केयर फाइंड आउट करना चाहते हैं, 64 ये 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है तो 14 को पहले 25 में ऐड कीजिए 39, एंड 14 का स्केयर कितना है, 196, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4096। ऐसे हम 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का 30 से लेके 70 तक ईजिली स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें 20 तक सारे स्केयर पता है। आप ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।